नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे दिल्ली एनसीटी अमेंडमेंट बिल 2021 के बारे में। ये अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया जा चुका है और मोस्ट प्रोबेबली ये पास हो जाएगा क्योंकि एनडीए गठबंधन लोकसभा राज्यसभा दोनों में मेजोरिटी में है। लेकिन इस बिल के प्रावधानों को लेकर काफी पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है बिटवीन दी आम आदमी पार्टी गवर्नमेंट इन दिल्ली एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट दैट इज लेड बाय बीजेपी। तो भाजपा और आम आदमी पार्टी के बीच में ये पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी क्यों है? क्योंकि इस बिल के तहत लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स को थोड़ा सा बढ़ाया जा रहा है, जिसके कारण दिल्ली सरकार का जो वे ऑफ गवर्नेंस है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो ये क्या पर्टिकुलर चेंजेस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपको बताना चाहता हूं कि अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर देश के बेस्ट एजुकेटर्स लाइव क्लासेस लेते हैं। यूपीएससी एग्जाम की अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो यहां पर आप इन एजुकेटर्स के द्वारा डेली लाइव क्लासेस देख सकते हैं। बहुत सारी फ्री लाइव क्लासेस होती हैं जिनको देखने के लिए आपको केवल एक अनलॉक कोड यूज करना होगा एंड दैट इज माय नेम महिपाल। लेकिन अगर आप एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में अपना कोर्स कंप्लीट करना चाहते हैं तो प्लस या आइकॉनिक कोर्सेज के माध्यम से आप ये कर सकते हैं। प्लस कोर्स में आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, आइकॉनिक में आपको एक पर्सनल मेंटोर मिलेंगे जो आपको जीएस मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी कराएंगे। आपको इन कोर्सेज को परचेस करने के लिए ये वाली प्राइसेस पे करने की आवश्यकता नहीं है। यूज द कोड महिपाल एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। तो आप कोई भी कोर्स परचेस करें, कोई भी सब्सक्रिप्शन लें तो आपको अनअकैडमी पर 10% डिस्काउंट मिलेगा अगर आप महिपाल कोड को यूज करते हैं। आप ऑप्शनल की तैयारी भी यहां से कर सकते हैं और अगर आप ऑप्शनल और जीएस के कोर्सेज साथ में लेते हैं तो आपको प्राइस में काफी बेनिफिट मिलेगा। पाथफाइंडर के स्टूडेंट्स के लिए मैंने एक स्पेशल टेस्ट सीरीज स्टार्ट करवाई है। इस टेस्ट सीरीज को जरूर अटेम्प्ट करें। डेली 12:30 बजे दिन में ये लाइव हो जाती है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा इस वीडियो के नीचे। तो उस टेस्ट सीरीज में आप सेक्शनल टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं और अपनी प्रीलिम्स की तैयारी को और प्रगाढ़ कर सकते हैं। अगेन इट्स अ फ्री इनिशिएटिव। यूज द कोड महिपाल टू अनलॉक द टेस्ट सीरीज। और अगर आप अन्य एग्जाम्स जैसे कि एसएससी, बैंक, रेलवे, स्टेट पीसीएस की भी तैयारी कर रहे हैं तो इन सभी के कोर्सेज अन्य अकेडमी प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध हैं। ये प्राइसेस पे मत कीजिएगा। यूज द कोड एंड गेट 10% फ्लैट डिस्काउंट। 15 मार्च 2021 को हमारे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने लोकसभा में एक विधेयक पेश किया। इस विधेयक का नाम था गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली अमेंडमेंट बिल 2021। अब ये जो विधेयक है ये क्या चाहता है कि गवर्नमेंट ऑफ नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट जो काफी सालों से चल रहा है, लागू है ऑलरेडी, उसमें कुछ संशोधन करे, अमेंड करे। और इस अमेंडमेंट में बेसिकली क्या हो रहा है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर के पावर्स को थोड़ा बढ़ाया जा रहा है, उनको ज्यादा डिस्क्रेशनरी पावर्स दिए जा रहे हैं। जहां पर अभी लेजिस्लेटिव असेंबली का पावर है वहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर को पावर देने की कोशिश करी जा रही है। अब सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि दिल्ली के अंदर एग्जिस्टिंग पॉलिटी क्या है। तो देखो, दिल्ली को गवर्न करने के लिए संविधान में संशोधन करके 1991 में 69th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था और इसके तहत आर्टिकल 239AA इंसर्ट किया गया और इसने यूनियन टेरिटरी ऑफ दिल्ली, जो उस समय एक यूनियन टेरिटरी थी, उसको नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली बना दिया। तो आप देखिए, दिल्ली का जो दर्जा है वो प्रॉपर यूनियन टेरिटरी नहीं है, उससे थोड़ा अलग है। यूनियन टेरिटरी से ज्यादा दिल्ली के अंदर लोकल गवर्नमेंट होती है। और वो क्यों है? क्योंकि ये 69th अमेंडमेंट एक्ट लाया गया था तो इसीलिए दिल्ली का दर्जा ऑफिशियली है नेशनल कैपिटल टेरिटरी का, एनसीटी ऑफ दिल्ली। और कई लोग इसको एनसीआर कहते हैं लेकिन वो एक अलग टर्म है। एनसीआर एक डेवलपमेंट या प्लानिंग से संबंधित टर्म है, उसको भी मैं किसी दिन आपको समझा दूंगा। एनसीटी अलग है, जो केवल दिल्ली शहर जिसको आप कहते हैं, दिल्ली की जो बाउंड्री है उसके अंदर ये नेशनल कैपिटल टेरिटरी आती है। तो दिल्ली के अंदर जो एडमिनिस्ट्रेटर होंगे, यानी कि जैसे राज्यों में गवर्नर होते हैं वैसे यहां पर लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे। ठीक है, इनको मैं कई जगह एलजी लिखूंगा तो जहां भी एलजी लिखा हुआ है समझ जाना लेफ्टिनेंट गवर्नर है। इसी के साथ साथ दिल्ली में एक असेंबली क्रिएट करी गई, तो एक लेजिस्लेटिव असेंबली होंगी जिसमें 70 सीटें होती है। यहां पर चुनाव होंगे, एमएलए इलेक्ट होंगे, फिर उनमें से काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स तय करी जाएगी, एक चीफ मिनिस्टर इलेक्ट होगा, चूज किया जाएगा उन्हीं में से। तो इसके पहले दिल्ली में क्या सिस्टम था, एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल और एक मेट्रोपॉलिटन काउंसिल होती थी। बेसिकली एक शहर की तरह इसको एडमिनिस्ट्रेट किया जाता था, लेकिन दिल्ली की आबादी काफी बढ़ गई है और उसको अब 90s में एक छोटे स्टेट की तरह एडमिनिस्ट्रेट किया जाता है। छोटा क्या मतलब, स्टेट की तरह एडमिनिस्ट्रेट होता है, बस वो साइज में थोड़ा छोटा है। आबादी में तो दिल्ली अच्छा खासा बड़ा है, आज के समय में ऑलमोस्ट 2 करोड़ के आसपास दिल्ली की आबादी है। दिल्ली की विधानसभा को भी वो सभी पावर्स दिए गए जो राज्यों के विधानसभा को दिए जाते हैं, लेकिन केवल 3 एक्सेप्शन यहां पर रख दिए गए स्टेट लिस्ट में, पब्लिक ऑर्डर, पुलिस और लैंड। तो पुलिस स्टेट सब्जेक्ट है इंडिया में, लेकिन यहां पर दिल्ली में नहीं है। तो दिल्ली पुलिस इसीलिए केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन डायरेक्टली काम करती है, लैंड और पब्लिक ऑर्डर। तो पब्लिक ऑर्डर और पुलिसिंग तो थोड़ा सा मिलता जुलता ही है। तो ये 3 बड़े बड़े जो सब्जेक्ट्स हैं इन पर दिल्ली सरकार का या दिल्ली की विधानसभा का कोई भी रूल यहां पर नहीं बन सकता, कोई कानून नहीं बन सकता। उसके अलावा सब पर वो अपने लोकल कानून बना सकते हैं। कुछ और भी पॉइंट्स हैं जो दिल्ली को अन्य राज्यों के मुकाबले अलग बनाते हैं। तो जैसे राज्यों में आप देखोगे कि चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को गवर्नर्स अपॉइंट करते हैं, दिल्ली में ऐसा नहीं होता है। यहां पर चीफ मिनिस्टर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, ना कि लेफ्टिनेंट गवर्नर द्वारा। ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखना। और इसीलिए
ये ऑफिस अपना होल्ड करते हैं जब तक राष्ट्रपति की इच्छा हो, प्लेजर ऑफ द प्रेसिडेंट, तब तक ये अपने ऑफिस में बने रहेंगे। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का काम क्या है? टू एड एंड एडवाइज द एलजी, लेफ्टिनेंट गवर्नर। और ये तो सिमिलर ही है गवर्नर के फंक्शन से, लेकिन यहाँ पर कुछ एक्सेप्शन है। तो लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास कुछ डिस्क्रेशनरी पावर्स होते हैं, तो उसमें काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स की एडवाइस की जरूरत नहीं होती है। अगर कोई डिफरेंस है, मान लो कि किसी मुद्दे पर लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या चीफ मिनिस्टर की नहीं बन रही है, तो यहाँ पर लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास इस तरह के पावर होते हैं कि वो प्रेसिडेंट के पास जा सकते हैं एडवाइस के लिए, और प्रेसिडेंट के कहे अनुसार उनको काम करना होगा। अन्य राज्यों की तरह अगर यहाँ पर भी फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी होता है तो फिर राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाएगा। लेकिन दूसरे राज्यों के मुकाबले एक बदलाव यह है कि राज्यों में गवर्नर को रिपोर्ट भेजनी होती है प्रेसिडेंट को कि कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी फेल हो चुकी है, तभी वो कानून लागू होता है। यहां पर ऐसा नहीं है, अगर गवर्नर, लेफ्टिनेंट गवर्नर रिपोर्ट ना भी भेजे तो भी प्रेसिडेंट ये कदम उठा सकते हैं। तो ये यहां पर एक बदलाव। अब दिल्ली की शासन व्यवस्था में बदलाव लाने की कोशिश क्यों करी जा रही है, इसको समझने के लिए आपको दिल्ली में पिछले 8-10 सालों में क्या पॉलिटिकल सिनेरियो है वो समझना जरूरी है। तो ब्रीफली मैं आपको बता देता हूं। तो देखो, यहां पर 1998, 2003 और 2008 लगातार 3 असेंबली इलेक्शंस में कांग्रेस की सरकार बनी थी। तो 15 साल तक लगातार यहाँ कांग्रेस की सरकार थी, मुख्यमंत्री थी यहाँ पर तब शीला दीक्षित जी। और 2013 में आम आदमी पार्टी जो है ये चुनाव लड़ती है, और हालांकि ये मेजोरिटी नहीं लेकर आ पाए, लेकिन नवंबर 2013 में जो चुनाव हुए हैं उसमें इनकी 27 या 28 कुछ सीट्स थी। इन्होंने कांग्रेस के साथ गठबंधन करके एक सरकार बना ली। तो आम आदमी पार्टी जो उस समय नई नई पार्टी थी, उसको बने हुए कुछ महीने या 1 साल के आसपास समय हुआ था, 10-12 महीने ही हुए थे, इन्होंने कांग्रेस के साथ मिलकर एक गठबंधन सरकार बनाई। जबकि ये पूरे चुनाव के पहले कांग्रेस को कहा करते थे कि कांग्रेस सबसे भ्रष्ट पार्टी है, इसको उखाड़ने के लिए हम आए, लेकिन चुनाव के बाद इन्होंने कांग्रेस के साथ ही गठबंधन कर लिया। और ये सरकार ज्यादा समय नहीं चली, केवल 50 दिन के आसपास ये सरकार चली, और फिर गठबंधन टूट गया और सरकार गिर गई। तो अरविंद केजरीवाल केवल 50 दिन के आसपास के लिए मुख्यमंत्री तब रहे थे। तो 2014 फरवरी में जब ये सरकार गिरी, उसके बाद 1 साल के लिए यहाँ राष्ट्रपति शासन लगा दिया गया। 2015 में चुनाव होता है, फरवरी 2015 के महीने में, और इस बार आम आदमी पार्टी पूरे बहुमत के साथ सरकार बनाती है। 67 आउट ऑफ 70 सीट्स ये जीत कर लेकर आई। 2020 में फिर से चुनाव हुए, इस बार भी आम आदमी पार्टी 62 सीटें जीत जाती है, यानी अगेन एब्सोल्यूट मेजोरिटी के साथ ये सरकार अपनी बनाते हैं। तो बेसिकली पिछले 3 चुनावों में आम आदमी पार्टी को सफलता हासिल हो रही है। पहले वाले चुनाव में ठीक है, थोड़ा बहुत आप सफल मान सकते हो, बट पिछले 2 चुनाव में तो बहुत बढ़िया सफलता ये हासिल कर रहे हैं। तो अब हो क्या रहा है कि पिछले 7 सालों से यहां पर एक तो आम आदमी पार्टी काइंड ऑफ पावर में है, दूसरा केंद्र में किसकी सरकार है, 2014 से नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस एनडीए, और इसमें भी मेजर पार्टी है बीजेपी। तो अब क्या है कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी पॉलिटिकल राइवल्स हैं, तो इसीलिए आम आदमी पार्टी ये आरोप लगा रही कि बीजेपी ये पूरा मुद्दा इसलिए लेकर आ रही है क्योंकि हम कुछ पुराने केसेस थे जहां पर भ्रष्टाचार के आरोप में कुछ लोगों की जांच दिल्ली सरकार करवाना चाह रही थी। फरवरी 2014 में जब अरविंद केजरीवाल पहली बार मुख्यमंत्री बने थे, तो उन्होंने मुख्यमंत्री बनते ही एंटी करप्शन ब्यूरो, दिल्ली का जो एंटी करप्शन ब्यूरो होता है, उसको ये कहा कि आप यूनियन मिनिस्टर्स के खिलाफ केस दर्ज करो और जांच करो इन्होंने जो भ्रष्टाचार किए थे। केंद्र सरकार ने उस समय एक एक्शन लिया, एक नोटिफिकेशन जारी करके एसीबी के हाथ से ये पावर छीन ली कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज के खिलाफ किसी भी प्रकार की जांच कर सकें। फिर उसके बाद 2015 में केंद्र सरकार ने एक और नोटिफिकेशन जारी किया और एसीबी के हाथ से ये पावर ले ली कि वो दिल्ली पुलिस के कर्मचारियों के खिलाफ एक्शन ले, मतलब उसके लिए थोड़ी सी पावर्स उनकी लिमिट कर दी गई। फिर लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह एम्पावर किया गया कि वो अपॉइंट कर सकते हैं ऑफिसर्स को। तो लगातार दिल्ली गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट, स्पेशली होम मिनिस्ट्री के बीच में एक टसल चला आ रहा है। आम आदमी पार्टी इसको लेकर हाईकोर्ट में गई, दिल्ली हाईकोर्ट ने यह कहा कि एंटी करप्शन ब्यूरो जो है वो दिल्ली पुलिस ऑफिसर्स के खिलाफ जांच कर सकता है, प्रोब कर सकता है। लेकिन जब मामला सुप्रीम कोर्ट में पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा कि एसीबी, दिल्ली सरकार का जो एसीबी है, उसके पास ये पावर नहीं है कि वो केंद्र सरकार के कर्मचारियों के खिलाफ भ्रष्टाचार की जांच करे। उसने, सुप्रीम कोर्ट ने यह कहा उस समय कि सेंट्रल गवर्नमेंट खुद एक इंक्वायरी कमीशन बिठाए और अपने कर्मचारियों के लिए के ऊपर जो भ्रष्टाचार के आरोप लगे उनकी जांच करवाई जाए। तो कुल मिलाकर दिल्ली का जो एसीबी है वो इसकी जांच नहीं कर सकता, तो ये आम आदमी पार्टी के लिए एक सेटबैक था। लेकिन 2018 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और बात कही जो काफी इंपॉर्टेंट थी दिल्ली सरकार के पॉइंट ऑफ व्यू से। उन्होंने ये कहा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर जो है वो एक एडमिनिस्ट्रेटिव हेड है, लेकिन वो ऑब्स्ट्रक्शनिस्ट का काम नहीं कर सकते, यानी कि वो हर चीज को रोक नहीं सकते, ऑब्स्ट्रक्शन नहीं लगा सकते हर निर्णय में। यानी कि अगर सरकार, जो चुनी गई सरकार है, वो कोई निर्णय ले रही है, चीफ मिनिस्टर कोई निर्णय ले रहे हैं, तो उसमें लेफ्टिनेंट गवर्नर को ऑब्स्ट्रक्शंस नहीं लगाने चाहिए और वो सरकार के हर निर्णय में इंटरफेयर करना, हस्तक्षेप करना बंद करें। और इलेक्टेड गवर्नमेंट ऑफ दिल्ली जो है उसको भी ये कहा गया कि आपको हर मामले में, डे टू डे अफेयर्स में, लेफ्टिनेंट गवर्नर से अनुमति लेने की जरूरत नहीं है। आप अपना डे टू डे गवर्नेंस का काम है वो बिना लेफ्टिनेंट गवर्नर की अनुमति के कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर को इन्फॉर्म करना जरूरी है, बताना जरूरी है, परमिशन लेनी जरूरी नहीं है।
तो 2018 का जो ये वर्डिक्ट था सुप्रीम कोर्ट का, इसको लेकर आम आदमी पार्टी ऑब्वियसली खुश हुई होगी। लेकिन फिर 2019 में सुप्रीम कोर्ट ने एक और जजमेंट दिया। उन्होंने केंद्र सरकार के जो नोटिफिकेशंस थे 2015 के, जिसमें उन्होंने एसीबी के पावर्स को लिमिट किया था, उनको बिल्कुल सही ठहराया और कहा कि दिल्ली सरकार के अधीन या फिर दिल्ली पुलिस का जो एंटी करप्शन ब्रांच है उसके पास ये पावर नहीं हो सकता कि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स की जांच करे। तो ये एक तरह से होम मिनिस्ट्री या फिर आप कह सकते हो कि सेंट्रल गवर्नमेंट के फेवर का निर्णय हो गया। लेकिन अब समस्याएं इतनी आ चुकी है पिछले 5 साल में केंद्र सरकार और दिल्ली सरकार के बीच में कि अब केंद्र सरकार ने ये तय किया, टू बी स्पेसिफिक कैबिनेट ने पिछले महीने ये तय कर लिया था कि जो दिल्ली सरकार को गवर्न करने वाला कानून है, एनसीटी वाला जो एक्ट है, उसके अंदर संशोधन लाने की आवश्यकता है। और इसीलिए अब ये बिल लाया जा रहा है ताकि लेफ्टिनेंट गवर्नर और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स या फिर चीफ मिनिस्टर के पावर्स को क्लियरली डीमार्केट किया जा सके। लेकिन अब इस बिल को लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने काफी आपत्तियां उठाई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली में गवर्नमेंट का मतलब अब चुनी हुई सरकार नहीं रहेगा बल्कि लेफ्टिनेंट गवर्नर रहेगा, तो फिर हम क्या करेंगे, इलेक्टेड गवर्नमेंट का यहां पर क्या काम है, इस तरह के उन्होंने सवाल उठाए हैं। तो इसको लेकर अब एक काफी पॉलिटिकल कॉन्ट्रोवर्सी चल रही है। आम आदमी पार्टी ने यह भी बोला है कि हम इसको लेकर धरना प्रदर्शन करेंगे, तो देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। अब इस संशोधन विधेयक में क्या बदलाव प्रस्तावित किए गए हैं इनको हम देखते हैं। तो यहां पर जो ओरिजिनल कानून था नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली एक्ट 1991 का, उसके कुछ सेक्शंस में बदलाव किया गया है। तो सेक्शन 21, 24, 33, 44 इनमें बदलाव किया गया है। इस विधेयक के प्रावधानों के अनुसार लेफ्टिनेंट गवर्नर को यह अपॉर्चुनिटी दी जाएगी हर बार कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का कोई भी निर्णय हो उस पर लेफ्टिनेंट गवर्नर अपना ओपिनियन दे सके, इससे पहले कि सरकार यानी कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उसको इंप्लीमेंट करती है। इस कानून के सेक्शन 21 में एक टर्म यूज किया गया है, गवर्नमेंट। तो अभी तक गवर्नमेंट यहां पर माना जाता था कि दिल्ली की जो चुनी हुई सरकार है वो, लेकिन ये संशोधन ये कहेगा अब से कि गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। तो अगर कोई भी विधेयक पास किए जाते हैं, लॉ पास किया जाता है लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो उसके कंटेक्स्ट में गवर्नमेंट का मतलब होगा लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ एनसीटी ऑफ दिल्ली। यानी कि अब कोई भी कानून पास करने से पहले लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी अनुमति लेनी पड़ेगी। तो बेसिकली जो दिल्ली का स्टेटस एज ए यूनियन टेरिटरी था, ये उसके साथ थोड़ा सा कंसिस्टेंट है, यानी कि फिर से यूनियन टेरिटरी का स्टेटस ही एक तरह से दिल्ली का हो जाएगा, क्योंकि यहां पर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स का पावर थोड़ा सा कम हो रहा है। हालांकि कानून काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के पावर को एक्टिवली कम नहीं कर रहा, बल्कि वो लेफ्टिनेंट गवर्नर को थोड़ा सा पावर ज्यादा दे रहा है। तो अगर कोई एम्बिग्यूटी थी इंटरप्रिटेशन में, यानी कि गवर्नमेंट का मतलब क्या था, लेफ्टिनेंट गवर्नर या चीफ मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, तो अब इसके अंदर कोई भी एम्बिग्यूटी नहीं रहेगी, कोई दो राय नहीं रहेगी, इसका मतलब अब से रहेगा लेफ्टिनेंट गवर्नर। ऑल इंडिया सर्विसेज और एंटी करप्शन ब्यूरो से संबंधित हर मामले में अब लेफ्टिनेंट गवर्नर अपने डिस्क्रेशन का इस्तेमाल करते हुए, अपने स्वविवेक का इस्तेमाल करते हुए निर्णय ले सकते हैं, और इस तरह के निर्णय अब लेजिस्लेटिव असेंबली के एरिया के या फिर उनके पावर्स के बाहर कर दिए गए। और अगर लेफ्टिनेंट गवर्नर कोई भी इस तरह का डिसीजन लेते हैं तो उसकी वैलिडिटी को क्वेश्चन नहीं किया जा सकता, है ना। तो जो असेंबली है वो उनको क्वेश्चन नहीं कर सकती कि आपने ऑल इंडिया सर्विस का ये ऑफिसर कैसे अपॉइंट कर दिया, ये आईएएस ऑफिसर को कैसे इस पोस्ट पर लगा दिया, या एंटी करप्शन ब्यूरो को कोई निर्णय दे दिया, इस तरह के सवाल लेफ्टिनेंट गवर्नर के निर्णय पर नहीं उठाए जा सकते। फिर ये जो नया अमेंडमेंट है, ये दिल्ली गवर्नमेंट को ये कहता है कि आप अपने लेजिस्लेटिव प्रपोजल, बेसिकली दिल्ली विधानसभा में कोई भी नया कानून आपको पेश करना है तो वो आप लेफ्टिनेंट गवर्नर को कम से कम 14 दिन एडवांस में भेजो। इतने दिन उसमें स्पेशली मेंशन कर दिए गए। अभी तक सिस्टम ये था कि अगर कोई विधेयक लेफ्टिनेंट गवर्नर को थोड़ा प्रॉब्लमैटिक लगता है, उन्हें लगता है कि इसको राष्ट्रपति के पास भेजना चाहिए अप्रूवल के लिए, तो वो भेज सकते थे। लेकिन अब इस नए संशोधन में ये कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर तुरंत अपने स्तर पर निर्णय ले सकते हैं, वो चाहें तो इस तरह के विधेयकों को खारिज कर सकते हैं, कानून को भी खारिज कर सकते हैं अगर उनके पास वो अप्रूवल के लिए आया है, चाहे वो राष्ट्रपति के पास पेंडिंग हो। तो इवन इफ द मैटर इज पेंडिंग विद द प्रेसिडेंट, लेफ्टिनेंट गवर्नर कैन टेक एन इमीडिएट डिसीजन, या तो उसको पास भी कर सकते हैं या फिर रद्द भी कर सकते हैं। उसके बाद सेक्शन नंबर 24 में एक अमेंडमेंट किया गया है। अमेंडमेंट ये कहता है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर किसी भी ऐसे कानून को सहमति नहीं देंगे जो दिल्ली विधानसभा के पावर्स के बाहर है, उस पर उसने अगर कानून बनाया। तो मान लो कि लैंड या फिर पब्लिक ऑर्डर से संबंधित कोई कानून दिल्ली की विधानसभा बनाती है, उसको पास करके भेज दिया जाता है लेफ्टिनेंट गवर्नर के पास, तो वो अपनी सहमति उस पर नहीं देंगे, क्योंकि पब्लिक ऑर्डर और लैंड किसके अधीन है, केंद्र सरकार के अधीन है, नॉट अंडर दिल्ली गवर्नमेंट। अगला बड़ा बदलाव है विधानसभा की शक्तियों में। तो अभी सेक्शन 33 एनसीटी एक्ट का ये कहता है कि दिल्ली की जो विधानसभा है उसके पास ये अधिकार है कि वो अपने खुद के बिजनेस को कंडक्ट करने के लिए
नियम कानून बना सके कि दिल्ली विधानसभा की कार्रवाई कैसे चलेगी, उससे संबंधित ही अपने डे टू डे रूल्स वगैरह बना सकते हैं। लेकिन इस नए अमेंडमेंट में क्या कहा गया है, एग्जैक्टली ये लाइंस लिखी गई हैं, आप इसको ध्यान से पढ़िएगा। लेजिस्लेटिव असेंबली शेल नॉट मेक एनी रूल टू एनेबल इटसेल्फ और इट्स कमिटीज टू कंसिडर द मैटर्स ऑफ डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द कैपिटल और कंडक्ट इंक्वायरीज इन रिलेशन टू द एडमिनिस्ट्रेटिव डिसीजंस। यानी कि दिल्ली विधानसभा के पास अब ये अधिकार नहीं होगा, या फिर उसकी कमिटीज के पास भी अधिकार नहीं होगा कि वो दिल्ली सरकार के डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने के लिए किसी भी प्रकार की इंक्वायरी बिठा सकें या फिर एडमिनिस्ट्रेशन से संबंधित कोई भी काम अपने हाथ में ले सकें। क्योंकि इनका क्या मानना है कि डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन जो है वो सरकार गवर्नमेंट का काम है, और गवर्नमेंट अब क्या कहलाएगी, लेफ्टिनेंट गवर्नर को गवर्नमेंट माना जा रहा है। तो बेसिकली लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स को यहां पर थोड़ा सा रिस्ट्रिक्ट किया जा रहा है। और अगर इस तरह का कोई भी रूल बनाया गया है जिससे सरकार का डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन लेजिस्लेटिव असेंबली या उसकी कमिटीज के हाथ में आता है तो वो नल एंड वॉइड माना जाएगा। तो ये मेजर बदलाव हैं जो इस कानून के तहत सुझाए गए हैं। अब देखते हैं कि ये पास कितने समय में होते हैं। मुझे लगता है कि इस सेशन के अंदर ये पास नहीं होगा, इसको थोड़े समय के लिए ठंडे बस्ते में डाल देंगे, प्रोबेबली मानसून सेशन में ये पास हो जाएगा। लेकिन अब इस बिल के लाए जाने के कारण दिल्ली की सरकार और केंद्र सरकार के बीच में डेफिनेटली एक पॉलिटिकल क्राइसिस सा आने वाला है, आ चुका ही है, स्टार्टिंग हो चुकी है। ऑपोजिशन लीडर्स का ये मानना है, इनफैक्ट कांग्रेस भी आम आदमी पार्टी के साथ है इस मामले में, उनका ये कहना है कि ये कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी के खिलाफ है। एक राज्य की पावर्स को, दिल्ली जो प्रैक्टिकली एक राज्य के रूप में एग्जिस्ट करता है, उसकी पावर्स को यहां पर कर्टेल किया जा रहा है। जबकि केंद्र सरकार का गृह मंत्रालय ये कहता है कि ये बिल जो पुराना कानून है उसमें कुछ एम्बिग्युटी रह गई थी, उसको ये क्लियर कर रहा है। कहीं कहीं पर शब्दों का चयन सही नहीं था, उसको यहां पर थोड़ा सा ठीक किया जा रहा है ताकि पिछले 5-6 सालों में जिस तरह के क्लैशेस देखे गए हैं उस तरह के क्लैशेस भविष्य में ना हो। आप लोगों का इस पर क्या कहना है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। लेकिन याद रखना, भाषा की मर्यादा बनाए रखें, संक्षिप्त में जवाब दें। सोचो कि आप मेंस का आंसर लिख रहे हो, उस प्रकार से आपको अपने कमेंट्स में सुझाव देने हैं। आपको इस लेक्चर का पीडीएफ चाहिए तो आपको पाथफाइंडर के टेलीग्राम चैनल पर या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल पर भी मिल जाएगा। और संडे को आ रहा है अनअकैडमी कॉम्बैट, इसमें हिस्सा लेना ना भूलें, कंप्लीटली फ्री इनिशिएटिव है, अनलॉक कोड इज महिपाल, एंड अगर आप इसमें अच्छी रैंक्स लेकर आते हैं तो आपके पास स्कॉलरशिप जीतने का भी पूरा चांस रहेगा। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे एंड डू सब्सक्राइब टू पाथफाइंडर।